क्या आप जानते हैं कि ये है चाहते कि प्रीशा जो है वो एक डॉक्टर भी है? कैसे जानते होंगे? क्योंकि आपने कभी उसे अस्पताल में या डॉक्टरी करते हुए देखा ही नहीं होगा। बस वो तो करती है जासूसी। सीरियल की हर बहू की तरह ये डॉक्टर प्रीशा भी जासूसी में लगी रहती है। शुक्र है इस बार उसकी जासूसी कामयाब हुई। इस सीरियल की कहानी के हिसाब से प्रीशा डॉक्टर है, लेकिन आप सबने कभी उसे डॉक्टरी वाला काम करते हुए नहीं देखा होगा। देखा होगा तो जासूसी करते हुए, किसी के लिए छानबीन करते हुए, और अक्सर वो अपने पति को बचाने के लिए ये सब करती ही रहती है। अब अरमान को ये नहीं पता है कि उसके पल्ले कौन पड़ गई है। जैसा अरमान ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, उसका पलड़ा तो खुद उस पर ही भारी पड़ गया। ये देखिए रुद्र कैसे जिंदा हो गया। अरमान ने जो चाल चली थी ना कि प्रीशा के हाथों रुद्र को मरवा देगा, ऐसा हुआ तो सही लेकिन सब नकली वाला। प्रीशा को पता लग जाता है कि रुद्र अरमान ये प्लानिंग कर रहा है, तो प्रीशा फिर राज को फोन करती है कि हमें नकली गन चाहिए। तो मैं गन और बुलेट का अरेंज करता हूँ, जाके मैं प्रीशा को देता हूँ। उसके बाद ये सॉस के पैकेट्स का अरेंज करता है वो रुद्र को। हम पूरी प्लानिंग करके एकदम फुल तैयार होके आते हैं ताकि हम अरमान को हर जगह से कैप्चर कर सकें। असली में तो ये हुआ, अरमान का पर्दा फाश हुआ और उसकी सारी करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, और देखिए पुलिस भी आ गई। हम दोनों पुलिस को भी लेके आते हैं ताकि सारी वो जो जितनी भी बातें वो बोले हम वो रिकॉर्ड करके पुलिस को एज अ सबूत दिखा सकें। तो ऐसे करके हमने फुल प्लान किया, जिसमें प्रीशा ने हमें सब बोलती गई कि क्या क्या करते जाना है, और हम करते गए। अरमान को जेल हो गई है, हम सब ने मिल के उसको उसके प्लान जो चल रहे थे उनका सर्वनाश कर दिया है। अब जैसे को तैसा भाई, जिसने बुरा काम किया उसका बुरा नतीजा तो होगा ही। अब उम्मीद करते हैं कि रुद्र और प्रीशा के साथ आगे सब कुछ अच्छा हो। इतने सालों से जो प्रीशा अपनी याददाश्त खो गई थी, अब याददाश्त आ गई है, तो अपने पति के साथ इत्मीनान और चैन के साथ रहे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।